तो स्टार्ट करेंगे आज अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास के साथ। एंड इससे पहले आई होप ऐसे का जो मॉड्यूल था सब लोगों को काफी बेनिफिट रहा होगा, एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो सिखाया है उसको लगातार अप्लाई करते रहिएगा तो काफी बेनिफिट मिलेगा। जब आप मेंस लिखोगे या जो इस साल मेंस लिख रहे हैं दोनों को काफी बेनिफिशियल होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस का भी मैंने आप लोगों को बोला है कि सबसे पहले मेरा टारगेट होता है कि क्या यूपीएससी के डिमांड है, बस फर्स्ट क्लास में उस डिमांड को समझेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर क्या क्या यूपीएससी डिमांड करती है, क्या क्या स्ट्रेटेजी हमें चाहिए, सिलेबस को लेकर हम बात करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स को लेकर बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी मुझसे पूछती है। जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम अभिषेक जैन है। यूपीएससी के अंदर मैंने 2 इंटरव्यूज दिए हैं, 3 मेंस मैंने दिए हैं कंसिस्टेंटली, 2021 एंड 2022 दोनों में मैंने इंटरव्यूज दिए हैं। एंड अच्छी बात यह है कि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ही है, एंड इस बार भी मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। मेरे मार्क्स 288 है एंड पेपर वन के अंदर कंसिस्टेंटली 150 मार्क्स थे, पिछले बार 149 थे, इस बार 150 है। तो एक अच्छा खासा आइडिया है इस ऑप्शनल के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, किस तरह से अपन अप्रोच कर सकते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा जब मैं अपनी स्लाइड शेयर करूंगा कि किस तरह से आप सारी चीजों को इंटरलिंक कर सकते हो। इवन जब अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आप देखोगे कभी GS2 का पेपर उठाना, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये चार क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशंस से मिलेंगे। कम से कम मिनिमम 50 मार्क्स, 19 और 20 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के होते हैं और 9 और 10 क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के होते हैं। तो कम से कम डायरेक्टली 50 मार्क्स के क्वेश्चन GS2 में IR से आते हैं और वहां पर आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप GS2 को एनालाइज करो तो आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी में पिछले 3-4 सालों से GS2 के अंदर काफी अच्छे स्कोर आ रहे हैं। आप GS2 के अंदर इवन 120 प्लस स्कोर का टारगेट कर सकते हो। इवन मैंने आपको बताया भी था पिछले बार भी मुझे 116 थे, तो काफी अच्छा स्कोर GS2 में मुझे मिल रहा है। उसके पीछे काफी सारे रीजन है, बट IR का भी अपने आप में एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे अपन 10 में से एग्जामिनर से 5.5 मार्क्स ले सकते हैं। मतलब मोर देन 50% मार्क्स लेना यूपीएससी में एक अचीवमेंट है। 5.5-6 मार्क्स अगर आप ले पा रहे हो और 15 में से आप 7.5-8 मार्क्स ले पा रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर काफी अच्छा लिख रहे हो जो और कैंडिडेट है। तो यहाँ पर अपन वो चीजें सीखेंगे कि किस तरह से अपन कर सकते हैं। क्लासेस का जो मॉड्यूल रहेगा मेरा, आज तो हमारी बेसिक क्लास है जिसमें मैं आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि कैसे अपन चीजों को इंटरलिंक करेंगे, कैसे समझेंगे। बाद में जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं आपको लाइव आंसर्स लिखकर दिखाऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो कैसे वहां पर आंसर लिखता, कैसे क्वेश्चन को टैकल करता, उस टाइप के क्वेश्चंस भी जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है आपको बहुत हिस्टोरिकल आइडिया हो कि अगर इसराइल पे क्वेश्चन आ गया तो आपको इसराइल की पूरी हिस्ट्री पता हो, पैलेस्टीन की पूरी हिस्ट्री पता हो, आप कैसे फिर भी एक बेटर आंसर लिख सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो टारगेट्स ये होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने हैं GS2 के अंदर जहाँ पे हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस लाइक करता है। तो ये आपको एक बेसिक चीजों से हम फ्रेमवर्क बनाएंगे। दूसरी चीज रही आपको कंटेंट वगैरह को लेकर, जो मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, इवन क्लास में भी लिखेंगे और कुछ एडिशनल हैंडआउट्स भी आपको डेली में आपको दूंगा, तो उन दोनों उनको आपको अपने जब भी रिविजन करो तो उनको ध्यान में रखना है। साथ में IR का आप सब लोगों को पार्ट पता है, डायनेमिक पोर्शन है, करंट अफेयर्स से अपन को बहुत सारी चीजें अपडेट करनी होती है, चाहे आपके बायलेटरल रिलेशंस हो चाहे आपके मल्टीलेटरल रिलेशंस हो, तो बहुत सारी चीजें अपडेट करनी होती है। तो करंट अफेयर्स की भी मैं अलग से आप लोगों को क्लासेस दूंगा जहाँ पे जितनी भी चीजें हैं करंट अफेयर्स से आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। साथ में ये क्लासेस आपके प्रीलिम्स के लिए भी काम की होगी, ठीक है, मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में। इस बार भी आपने देखा होगा आई थिंक 8-9 सवाल डायरेक्टली आपके IR के किसी न किसी पार्ट से थे, अगर मैपिंग मिला लिया जाए या अदर एग्रीमेंट्स मिला लिए जाए तो वहां पर भी आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो इन सब चीजों को अपन क्लब करके यहाँ पर अपन कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बार डायरेक्टली मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमारा क्या फ्रेमवर्क रहेगा, कैसे हम स्टडी करेंगे, तो आपको बेटर समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये मॉड्यूल हमारा देखा भी होगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये तो आई होप सब लोगों ने देखा होगा जो सर ने ग्रुप पे बना के डाला है, बट हाँ इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा
कि जो सिलेबस का हमारा कंप्लीट पार्ट है वो हम इसमें कवर करेंगे। आप अपना जीएस टू का सिलेबस देखोगे तो जीएस टू के सिलेबस में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको मैं जस्ट अ मिनट, आई होप सबको स्क्रीन पर विजिबल होगा ये पूरा जो शेड्यूल रहेगा हमारा। इसमें हो सकता है हम कुछ एडिशनल मुझे लेक्चर्स भी लेने पड़े आंसर राइटिंग के लिए, तो डेफिनेटली वो करेंगे, सर से मेरी बात हुई, अगर कुछ एडिशनल लेक्चर हमें लेने पड़े आंसर राइटिंग के लिए तो वो भी अपन करेंगे। तो ये जो पूरा सिलेबस है जिसमें मैं सबसे पहले डायरेक्टली आपके सिलेबस में भले ही फॉरेन पॉलिसी मेंशन नहीं है बट मैं आपको फॉरेन पॉलिसी से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि कंसिस्टेंटली हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं सिंस द इंडिपेंडेंस। तो सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक की जो फॉरेन पॉलिसी के डिफरेंट फेजेस रहे हैं या क्या क्या ऐसे डिटर्मिनेंट है जो फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते हैं या क्या क्या बीच में ऐसे ऐसे फेजेस हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि पंचशील वाला पार्ट है, नॉन अलाइन मूवमेंट वाला हमारा पार्ट है, जिसको आप बोलोगे कोल्ड वॉर के टाइम पर जो हमारा चल रहा था उसको आप प्रेजेंट कैसे लिंक कर पाओगे, क्योंकि अभी अपन बोलते हैं कि इंडिया इज मूविंग फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, उस मल्टी अलाइनमेंट को आप कैसे लिंक कर पाओगे। वेरियस स्टेटमेंट्स चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के हो या वेरियस जितने भी फॉरेन डिग्नेटरीज की विजिट होती है वो कैसे देखते हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को। कुछ बुक्स भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन करूंगा जिसका अपन फॉरेन पॉलिसी में यूज कर पाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक बुक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, मतलब इंडिया वर्ल्ड को कैसे देखता है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। तो श्याम सरन की एक बुक है जिसको अपन कोट करते हैं कि प्रेजेंटली इंडिया पूरे वर्ल्ड को कैसे देख रहा है। यहाँ पर अपन एच जयशंकर की बुक द इंडिया वे है उसको भी कुछ कुछ रेफरेंस लेते हैं जब अपन फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां से फॉरेन पॉलिसी को अपन लिंकेजेस देंगे। और डिफरेंट ईयर्स के अंदर चाहे वो हमारा कोल्ड वॉर वाला फेज हो जहाँ पे बाइपोलरिटी आपको देखने को मिलेगी। एक और चीज ध्यान रखना, आईआर के अंदर आईआर की टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना आपको अगर आप आईआर पढ़ते हो तो आपकी टर्मिनोलॉजी जो आपको यूज करनी है वो आईआर की ही यूज करनी है रादर देन जनरल वर्ड्स। तो यहाँ पर जितने भी अपन यूज करेंगे बाइपोलर वर्ड, मल्टीपोलर वर्ड, नॉन अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट, बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी है धीरे धीरे आपको सारी हो जाएगी। दूसरी चीज जो अपना ये पोर्शन चालू होता है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, तो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट रेफरेंस रहेगा अपन देखेंगे इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में, क्योंकि जिस भी रीजन पर अपन जाएंगे सेंट्रल एशिया पर जाएंगे तो वहां की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाते हो तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब रशिया को अगर आपने देखो तो आप आजकल हम बात कर रहे हैं फार एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। ठीक है, जो अपन रशिया के आर्कटिक वाले रीजन से कनेक्ट होने वाली बात कर रहे हैं, इंडिया काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है वहां पे, तो जिस भी रीजन की अपन बात करेंगे अगर नेबरहुड की बात करते हैं तो अब वहां पर लिंकिंग क्या होगी। जब भी नेबरहुड का क्वेश्चन आएगा तो आपके आंसर में मुझे दिखना चाहिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक पॉइंट। जब भी नेबरहुड का क्वेश्चन आएगा तो हमारे जितने भी रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं नेबरहुड के अंदर, चाहे सार्क हो तो अच्छा है, बिम्स्टेक हो तो अच्छा है, या और भी कोई रीजनल इंस्टीट्यूशन है, उसका क्या रोल है हमारे नेबरहुड रिलेशंस को लेकर। ठीक है, तो पॉइंट्स हम काफी सारे जनरेट करेंगे। फिर आपको ये भी दिखाना होगा कि किस तरह से ये इंस्टीट्यूशन कनेक्ट करते हैं, रीजनल इंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं, किस तरह से बेसिकली रीजनल हेजेमनी जनरेट करते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे। फिर हर कंट्री स्पेसिफिक कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, नेपाल पढ़ रहे हैं, श्रीलंका पढ़ रहे हैं, तो उनके कुछ स्पेसिफिक इश्यूज होंगे, कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स होंगे इंडिया के साथ, चाहे ट्रेड में हो, चाहे सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे आपके अदर पर्सपेक्टिव से हो, उनको अपन स्टडी करेंगे। जैसे आसियान के बारे में देख रहे हैं तो हमें आरसीईपी के बारे में पता होना चाहिए कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है। भले इंडिया उसका मेंबर नहीं है बट हमें उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। हम आसियान से ट्रेड बढ़ाने के लिए किस तरह से बेसिकली वेरियस फॉर्म का यूज कर रहे हैं, मेंबर्स कितने हैं आसियान के अंदर, इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है, वो सब चीजें अपन देखेंगे अलग अलग फोरा के अंदर। फिर जब अपन देखेंगे पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इन इंडियन डायस्पोरा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज आप लोगों ने देखा होगा इंडियन डायस्पोरा की तो इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ती जा रही है। जब भी कहीं पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट होती है, प्रेसिडेंट साहब की विजिट होती है, तो हम सबसे पहले कनेक्ट कर रहे हैं हमारे डायस्पोरा। ठीक है, क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डायस्पोरा की हेल्प से हम मल्टी पर्सपेक्टिव पे काम कर पा रहे हैं। चाहे आपका इकोनॉमिक फ्रंट में आपको ट्रेड को अनाउंस करना हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हो, बायलैटरल फ्रंट पे अगर कंट्री वाइज रिलेशंस बढ़ाना हो, पीपल टू पीपल रिलेशंस को आपको इंक्रीज करना हो, तो बहुत सारे फ्रंट्स पे अपन काम कर रहे हैं। डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखोगे जो ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ वाली डिबेट है उसको अपन देखेंगे। बहुत सारी पॉलिसीज में
यहाँ पे G20, G7 जितने भी मल्टीलेटरल फोरम है, बायलेटरल फोरम है, उन सबको अपन यहाँ पर देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की पॉलिसी मेकिंग को लेकर अलग अलग पर्सपेक्टिव। उसके बाद ये जितनी भी ग्रुपिंग्स आ जाएगी आपकी सारी, और आप देखोगे आपको सारी कंट्रीज याद होगी। अपन क्लास के बाद जब मैं आपसे पूछूंगा कि सार्क और बिम्स्टेक के अंदर कौन सी कंट्रीज कॉमन है, ठीक है, कौन सी कंट्रीज बिलोंग करती है ईस्ट एशिया से, कौन सी बिलोंग करती है साउथ एशिया से, G20 के अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज है, कौन कौन से फ्रंट में बटी हुई है, किसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको जस्ट बहुत इजीली टिप्स पे याद हो जाएगा सारा, कि कैसे जितने भी अपने एग्रीमेंट्स है अलग अलग ग्रुपिंग्स के साथ, वो सब आपको बहुत ईजिली याद होंगे। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह का जो पार्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आ जाता है, यूएन पीस कीपिंग से आ जाता है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से आ जाता है। अब इसका मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट तैयार करेंगे। चार्ट में जैसे कि इंडिया का जो एक्टिव रोल है रिसेंट ईयर्स के अंदर, जैसे आप लोग देखोगे इंडिया ने 2021-22 के अंदर यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में सर्व किया, इंडिया ने यूएन इकोसोक के अंदर, बेसिकली इंडिया के पास अभी प्रेसिडेंसी है, मतलब उसमें 3 साल का जो टर्म होता है वो इंडिया के पास है, ठीक है। उसके अलावा G20 की बेसिकली अभी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास है, तो अपन इनका यूज करेंगे। जैसे SCO को लिख रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा SCO हेल्प किसमें करेगा हमारा, क्योंकि SCO का जो एजेंडा है वो एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखोगे तो वो हमारी हेल्प करेगा एंटी टेररिज्म फ्रंट्स को लेकर, वो हेल्प करेगा रीजनल सिक्योरिटी को लेकर। वही G20 पर आऊंगा तो मैं आपको डेवलपमेंटल फ्रंट पे बात करूंगा, मुझे अगर वुमेन डेवलपमेंट को काम करना है, यूथ समिट को लेकर काम करना है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग फ्रंट अपन बनाएंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके थ्रू क्या क्या पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। फिर जितने भी करंट इश्यूज है, जैसे कि अभी इंडो यूएस विजिट हुई हमारी, तो उसमें कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए, इंडिया को उससे क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या चैलेंज है। और ध्यान रखना आजकल यूपीएससी क्या कर रहा है, 2-3 कंट्रीज को एक साथ मिक्स कर रहा है। आपके क्वेश्चन में पहले तो क्या होता था, इंडिया रशिया पे क्वेश्चन आ गया तो इंडो रशिया अलग से आप तैयार कर लो, अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें रशिया भी मिक्स है, चाइना भी मिक्स है, यूएसए भी मिक्स है, और हो सकता है कोई अलग पर्सपेक्टिव साथ में वो डाल दे। तो जब क्वेश्चन आपका मल्टी पर्सपेक्टिव से आ रहा है तो आपको आंसर देने का तरीका क्या होना चाहिए, वहां पर अपन को समझ नहीं आता कि रशिया का लिखे, चाइना का लिखे, यूएसए का लिखे या इंडिया का इंटरेस्ट लिखे, तो उसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हो उस टाइप के क्वेश्चन को, जहाँ पे मल्टी स्ट्रक्चर या मल्टी फंक्शनलिटीज उन्होंने करेक्ट किए हैं, वहां पे अपन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो अपना सिलेबस है इसको अपन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो दिस इज द सिलेबस। नाउ मैं अब आपको लेकर आता हूँ क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू अपन देखेंगे, मैंने आपको बताया जब भी आप देखोगे कोई सा भी GS2 का पेपर उठाना, मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 9 एंड 10 आप उठाकर देखोगे, और क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ये आपको IR के ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब 10 10 20 और आपके 30, 20+30 50 मार्क्स तो आपको डायरेक्टली 250 के पेपर में, 50 मार्क्स तो सीधे के सीधे आपके IR के हैं, जहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब जो तो डायरेक्टली पूछा है, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, डायरेक्टली ये तो IR के ही होंगे। तो आपको दिखाता हूँ, ये है आपका पेपर UPSC PSC मेंस 2021 का पेपर है। तो सब लोग एक बार इस पेपर के क्वेश्चन देखिएगा, उनको किस तरह से क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे सब पार्ट्स करेंगे, कौन से टाइप के डायमेंशन, कौन से टाइप के एग्जाम्पल्स, वो सब अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 पर, और जो आप देखोगे उस समय जो न्यूज होगा उससे रिलेटेड चांसेस ज्यादा होते हैं क्वेश्चन उस पे आने के। यस नाउ एक एजेंडा है इंडिया अफ्रीका ग्रोथ एजेंडा 2047 को लेकर। आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए कि इंडिया अफ्रीका की फोरम समिट्स भी होती है। अब इसको किस किस फ्रंट पे आप बांटोगे मैं आपको सिखाता हूँ, उसपे जस्ट आपको आज डेमो दे रहा हूँ मैं कि किस तरह से बांट सकते हैं। पहले आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना होगा एशिया की ग्रोथ स्टोरी और अफ्रीका की ग्रोथ स्टोरी को कंपेयर करते हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि अफ्रीका, अब जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कि इंडिया और जापान मिलकर जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर डेवलप कर रहे थे, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो अब आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको पता है अफ्रीका, तो आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए अफ्रीका को लेकर। अगर पॉलिटिकल लेवल पर देखा जाए तो क्या क्या चीजें इंडिया अफ्रीका के साथ कन्वर्स हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। उसके अलावा आप देखोगे अफ्रीकन यूनियन,
ये सब आपको तब पता होंगे, क्या रोल है वो तो बात की बात है। पहले तो दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि इंडिया अफ्रीका फोरम समिट्स होती है, अफ्रीकन यूनियन का क्या रोल है, इंडिया का जो ग्रोथ एजेंडा है 2047 वाला वो कैसे लिंक्ड है अफ्रीका के ग्रोथ एजेंडा से, क्या क्या ड्राइवर्स है। एक बार यूपीएससी ने पूछा था की ड्राइवर्स इन इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो बात वही थी घुमा फिरा के उन्होंने पूछा। बट की ड्राइवर्स मतलब बेसिकली क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर इंडिया अफ्रीका कन्वर्ज कर सकते हैं, कन्वर्जेंस कहाँ कहाँ पर इंडिया अफ्रीका के अंदर। और आप लोग देखोगे मल्टी सेक्टर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे इसमें, इस टाइप के लाइव एग्जाम्पल भी आप ला सकते हो कि इंडिया बेसिकली क्या कर रहा है। जो अफ्रीकन वुमन है तो जिनको सोलर सोलर मा नाम से एक इनिशिएटिव है अफ्रीकन वुमन को, राजस्थान में अजमेर में कॉलेज है वहां पर बेसिकली उनको सोलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है फॉर द स्किल डेवलपमेंट अफ्रीकन वुमन को जो बिलोंग करती है तंजानिया से, तो तंजानिया या अदर एरिया से। तो सोलर मा करके एक इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया ट्रेन करता है अफ्रीकन वुमन को फॉर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरी चीज बेसिकली ये एक स्किल डेवलपमेंट का एक जस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा आप एग्जाम्पल कनेक्ट कर सकते हो हमारा टेली हेल्थ वाला, हमारा टेली एजुकेशन वाला, अफ्रीका इंडिया की वेरियस फोरम समिट्स को लेके, ठीक है, वेरियस एजेंडा आप डाल सकते हो, मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर डाल सकते हो, यहाँ पे बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर रोल डाल सकते हो, मैरिटाइम पायरेसी को लेकर आप डाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब ये चीजें मैं आपको कैसे तैयार कराऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने बहुत शॉर्ट में पूरे अफ्रीका को क्लब किया हुआ है, और उसमें सिर्फ मैं वो क्या करता हूँ, और कोई लेटेस्ट चीज होती है तो उसको साथ में अपडेट कर देता हूँ, बाकी पूरा अफ्रीका मेरा उसी से निकलेगा। जस्ट ए मिनट, मैं आपको जस्ट खोल के दिखाता हूँ वो जो पार्ट है अफ्रीका वाला, जिससे पूरा का पूरा आपको सारी चीजें क्लब होके मिल जाएगी। एक मिनट का टाइम दीजिए। एक मिनट में आपको शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ सारा अफ्रीका को लेकर। यस, ये देखो स्लाइड जो आपको सामने ओपन हुई अफ्रीका वाली, इसको देखिएगा। सभी लोगों को अफ्रीका की स्लाइड विजिबल है मेरी? चलिए इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर देते हैं, तो आपको दिखेगा कि किस टाइप से मैं इसको स्टार्ट कहाँ से करने वाला हूँ, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या पर्सपेक्टिव में डालने वाला हूँ, वो सारी चीजें आपको दिख जाएगी। बस इसके अंदर मैं करंट वाला एडिशन करता हूँ जो मैंने आपको बोला, वही से यहाँ से दिखेगा कि अगर मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं सिर्फ ये 2 पेजेस होंगे मेरे पास, 2 या 3 पेज, जिसमें से मैं सब कुछ कंटेंट निकाल के लिखने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा इंडियाज ग्रोथ एजेंडा एंड अफ्रीका एजेंडा 2063, इंडिया का एजेंडा तो जो 2047 वाला है और अफ्रीका का एजेंडा 2063 है। तो अपन अपना इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया का ग्रोथ एजेंडा लिंक्ड है अफ्रीका के एजेंडा 2063 से, दैट शोज द सिनर्जी बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशंस, ठीक है। फिर दूसरी लाइन आप बना सकते हो, इंडिया अफ्रीका का एक रिलायबल एंड स्टेडफास्ट पार्टनर है, और इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप है दैट इज इंक्लूसिव पार्टनरशिप, दैट इज पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप एंड सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट पार्टनरशिप। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि इस आंसर के अंदर मैं चाइना का एंगल भी लेके आऊंगा, और जब चाइना का एंगल लेकर आऊंगा तो मैं बोलूंगा जो चाइना की अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप है वो कैसी है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो बेसिकली किस पे है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पे बेस्ड है, वो इंक्लूसिव नहीं है, उसके अंदर बहुत एक शॉर्टर सेक्शन को उन्होंने कनेक्ट करने का ट्राई किया है, वो पीपल सेंट्रिक नहीं है, वो आपका प्रॉफिट सेंट्रिक है। तो क्योंकि चाइना का अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट बहुत सारा है, आपको दिखाना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि चाइना का अफ्रीका में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पर आप कैसे दिखाओगे कि उनकी पार्टनरशिप प्रॉफिट सेंट्रिक है, अपनी पीपल सेंट्रिक है, अपनी बेसिकली ट्रांसपेरेंट है, उनकी नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो इस टाइप से आप लिंक कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। बाकी आप देखो सारा डेटा अपने पास होगा, आपको अपने एग्जाम्पल में यूज करना है साउथ साउथ कोऑपरेशन, क्योंकि इंडिया और अफ्रीका की बात करेंगे तो कौन सी कोऑपरेशन होगी, साउथ साउथ कोऑपरेशन होगी, ठीक है। दोनों बेसिकली आप लोग देखोगे जो डेवलपिंग और जो आपकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है तो वहां पर आपको साउथ साउथ कोऑपरेशन देखने को मिलेगी। उसके अलावा अब अलग अलग फ्रंट पे आप बात करोगे एग्जामिनर को, जैसे कि अपन इकोनॉमिक फ्रंट पे बात कर रहे हैं, तो आप दोनों चीजें दिखाओगे, आपको चाहे पॉजिटिव में पूछे चाहे नेगेटिव में पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया अफ्रीका का ट्रेड कितना है, थोड़ा बहुत रफली आइडिया होना चाहिए कि लगभग $70 बिलियन के आसपास है। वही चाइना अफ्रीका का ट्रेड कितना है, $260 बिलियन। ये चीजें आपको एग्जामिनर को कॉन्ट्रास्ट करेगी कि हाँ उनका ट्रेड इतना है, इंडिया का ट्रेड इतना है, तो इंडिया के पास अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है अफ्रीका को, बेसिकली हम अफ्रीका को बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टनरशिप है वो इक्वल पार्टनरशिप है,
हमारी पार्टनरशिप कैसी है? हमारी पार्टनरशिप है जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट शेयरिंग पर बेस्ड है। हमारी पार्टनरशिप ऐसी है जो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये सब आप दिखा सकते हो कि हम ये डेफिनेटली फायदा देंगे। फिर आप दिखा सकते हो एफटीए नेगोशिएशन के एग्जांपल, दिखा सकते हो बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं मैंने यहाँ पर। सर एक बार ये डिस्टरबेंस आ रही है, अगर आप जाके म्यूट ऑन कर दो। एचपी का आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट है, इसको म्यूट करो एचबी। और हेमंत आप भी अगर किसी का, हाँ यस, एक बार आप कर दो सर, चैट में जाके म्यूट ऑन एचबी, सर आपके एंड पे हो जाएगा, आप ही कर दो सेट पे ऑप्शन, चैट पे। ये पार्टिसिपेंट्स है ना, इन पे क्लिक करना एक बार, यहाँ पे आ रहा होगा म्यूट ऑल। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके एक बार, क्लिक किया हुआ है, यस म्यूट ऑल, यस हाँ डन, ठीक है। जस्ट मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ कि अफ्रीका से रिलेटेड आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आए, वो चाहे अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका के की ड्राइवर्स पूछे, या पूछे कि दिस इज द डिकेड ऑफ अफ्रीका, या अफ्रीका के अंदर क्या डिकेड ऑफ अफ्रीका का मतलब, अफ्रीका के पास एनॉर्मस पोटेंशियल है अभी आपको देने के लिए, तभी तो डिकेड ऑफ अफ्रीका बोल रहे हैं। पहले बोला कि पहले एशिया डिकेड था, अब अफ्रीकन डिकेड है, मतलब अफ्रीका के पास देने को बहुत सारे एंगल्स में बहुत कुछ है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। फिर बेसिकली आप यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें लिंक करने को लेकर यहाँ पे बता सकते हो कि इंडिया की जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है वो 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। और रिसेंट स्टेटमेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कि इंडिया डेवलपमेंटल पार्टनरशिप विल बी गाइडेड बाय अफ्रीकन प्रायोरिटीज, मतलब जो हमारी डेवलपमेंटल पार्टनरशिप बनेगी वो अफ्रीकन प्रायोरिटीज के आधार पर हम अपने आप को तैयार करेंगे, हमारी पार्टनरशिप को बिल्ड करेंगे ताकि अफ्रीका को हम बेनिफिट दे पाए। देखो म्यूचुअल बेनिफिट पे आधारित होती है, लेकिन एक होती है एक्सप्लोइटेटिव और एक्सट्रेक्टिव। चाइना अफ्रीका आपने कैसा है, चाइना क्या करता है, एक्सप्लोइटेशन करता है, चाइना एक्सट्रैक्ट करता है अफ्रीका के रिसोर्सेज को। हम क्या कर रहे हैं, हम डेवलपमेंटल पार्टनरशिप्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस पे बेस्ड है, वी आर गोइंग थ्रू वेरियस एजेंडाज विच इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल पार्टनरशिप्स। ये इंपॉर्टेंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, कि जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, फिर आपको कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल डालने पड़ेंगे। देखो आईआर में नंबर तब आते हैं जब आप कुछ कॉन्क्रीट दोगे, ये तो सभी लिख देंगे कि टेली एजुकेशन हम कर रहे हैं या टेली हेल्थ हम प्रमोट करें, आप एग्जाम्पल दो। जैसे कि टेली एजुकेशन का आप एग्जाम्पल दे रहे हो, तो आपको विद्या भारती और टेली एजुकेशन का एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि विद्या भारती है एक टेली हेल्थ में, आरोग्य भारती है, एक पैन अफ्रीका ई नेटवर्क है जो आपको दिखाएगा कि हाँ ये चीजें हम कर रहे हैं। विद्या भारती इनिशिएटिव चल रहा है, आरोग्य भारती इनिशिएटिव चल रहा है, कितने लाइन ऑफ क्रेडिट हम एक्सटेंड कर रहे हैं, कितने लोगों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, जस्ट आप दिखा सकते हो। इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। जस्ट मैंने आपको मेथड बताया है, ये धीरे धीरे अपन सीखेंगे इस टाइप से अपन करेंगे। जैसे कि अब इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है 2015 की और 2022 की। अब 2022 में उस टाइम पे कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो उसमें आप देखोगे कि और क्या क्या एडिशन कर सकते हैं इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में, क्या क्या नए एजेंडाज आ सकते हैं। जैसे कि उसमें बोला गया था कि इंडिया अफ्रीका में 18 नई एम्बेसी ओपन करेगा, और बीच में हमारे जो एस जयशंकर साहब है, हमारे मिनिस्टर साहब की विजिट भी हुई थी, और वो आप एग्जाम्पल लिंक कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वेरियस फॉर्म्स, मतलब जितने भी अफ्रीका को लेकर है, मल्टीलेटरल फोरम हो, कल्चरल कनेक्ट हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, सब कुछ आपको मिलेगा। कितनी भी एड इंडिया ने अपन ने दी, चाहे वैक्सीन मैत्री के थ्रू दी, चाहे स्टडी इंडिया प्रोग्राम के थ्रू दी, या इंडियन डायस्पोरा कितने हैं वहां पर, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा अलग अलग के थ्रू। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या लिमिटेशंस है। लास्ट में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि अगर आपसे आ जाता है कि इंडिया अफ्रीका रिलेशंस को लेकर क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या लिमिटेशंस है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अभी इंडिया के पास अफ्रीका को लेकर कोई अलग से क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे हमने ने सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्ट सेंट्रल एशिया बना दी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बना दी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दी, ऐसे अफ्रीका को लेकर कोई इंडिया ने सेपरेट पॉलिसी डिजाइन नहीं की है। तो सेपरेट पॉलिसी नहीं है मतलब एक क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है, एक आर्टिकुलेटेड विजन नहीं है इंडिया का अफ्रीका को लेकर, तो वो हमें करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारे डिलीवरी डेफिसिट काफी ज्यादा है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को लेकर चालू किया, बट बहुत सारे डिलेज हो रहे हैं, फंड्स डिसबर्स नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, कंसल्टेटिव मैकेनिजम्स में दिक्कत आ रही है। जस्ट कुछ ना कुछ आपको दिखाने पड़ेंगे, 4-5 इश्यूज जो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में देखने को मिलते हैं। फिर आपको लास्ट में अगर आपसे पूछा गया है कि क्या रिफॉर्म्स कर सकते हो, तो वो भी आप इजीली दिखा सकते हो कि क्या क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर पूरा बना के दिया कि ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं।
कि इंडिया को बेसिकली जैसे एक्टिस्ट पॉलिसी लेकर आए, नेबरहुड फर्स्ट लेकर आए, वैसे अफ्रीका के लिए एक डेडिकेटेड पॉलिसी लानी चाहिए। हमें अफ्रीका की कम से कम 54 कंट्रीज है अफ्रीका के अंदर, तो एंगेज टू ऑल अफ्रीकन कंट्रीज, ये हमारा मोटो होना चाहिए। और सब कंट्रीज को अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, उनके बेनिफिट्स को अपन यूज कर सकते हैं। वो भी लिख के दिया है कि नॉर्थ अफ्रीका से क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, मोजाम्बिक से क्या है, आपका हर एक कंट्री के साथ क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से आप फोकस कर सकते हो, कैपेसिटी बिल्डिंग पे अपन काम कर सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका हमारी फूड सिक्योरिटी को लेकर, हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर, क्लीन एनर्जी को लेकर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, हम अफ्रीका के लिए और अफ्रीका हमारे लिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि क्वेश्चन अगर अफ्रीका से लेकर आगे तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ये सब फिलर्स आपको पता होंगे ना, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, एक जनरलाइज आंसर हो जाएगा कि हाँ अफ्रीका के अंदर है, इकोनॉमिक ये है, पॉलिटिकल ये है, उसके अलावा आप लिख दोगे कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर ऐसा चल रहा है, पीपल टू पीपल टाइज को लेकर ऐसा चल रहा है, डिफेंस को अगर कुछ किसी कंट्री के साथ। लेकिन जब तक कॉन्क्रीट वहां पर थोड़ा सा एनालिसिस नहीं निकालोगे तब तक बेहतर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा चीज हमें ध्यान में रखनी है, कुछ अपने पास फैक्ट्स होने चाहिए अपने आंसर को पुट करने के लिए। आप भी सभी लोग जानते हो कि जब तक एक पर्टिकुलर रीजन, एक आर्ग्यूमेंट नहीं होगा तब तक आप एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर सकते। चलिए वापस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो अपन देख रहे थे। तो दैट वाज द अफ्रीका वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मैंने आपको जो बोला था कि आजकल यूपीएससी ने क्वेश्चंस को मिक्सिंग करना चालू कर दिए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग देन द एस्ट्रल सोवियत यूनियन। अब बोला जा रहा है कि यूएसए को आज चाइना से जो थ्रेट है ना, इतना थ्रेट तो बेसिकली पहले जब सोवियत यूनियन हुआ करता था उसने भी इतना चैलेंज नहीं किया यूएसए को। मतलब यहाँ पर तीन फैक्टर है आपका, यूएसए, चाइना और आपका सोवियत यूनियन। मतलब अभी प्रेजेंट फॉर्म में किसको बात करेंगे, पहले यूएसएसआर और भी प्रेजेंट टाइम में रशिया। तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन यूज किया गया है इसको आप कैसे आंसर करोगे। अब आप सोचो कि इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, यूएसए को जो थ्रेट है चाइना से, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आज चाइना यूएसए के लिए किन किन फ्रंट्स पे थ्रेट है, ठीक है, चाहे आपका इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे आपका पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे आपका सिक्योरिटी या डिफेंस फ्रंट हो, चाहे आपका ट्रेड भी, ट्रेड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है, बहुत सारे डिजिटल लेवल पर भी चाइना थ्रेट है, ठीक है, बहुत सारे जो आज आप देखोगे, साइबर डोमेन हो गया आपका, साइबर सिक्योरिटी ले लो, डिजिटल डोमेन्स पे आप ले लो, वहां पर भी थ्रेट है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर थ्रेट है पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए, और किस किस फॉर्म में विद एग्जाम्पल्स कि कहाँ पर चाइना ने ऐसा किया है कि जिसकी वजह से यूएसए को थ्रेट लग रहा है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये जो थ्रेट है ये मच मोर चैलेंजिंग है देन द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन मतलब आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा कोल्ड वॉर वाले इरा के अंदर, कि कोल्ड वॉर इरा में सोवियत यूनियन ने बेसिकली यूएसए पर क्या क्या थ्रेट पैदा किए थे। तो कोल्ड वॉर का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिडेंट्स थे, ठीक है, रशिया के और अपने यूएसए के। प्रेसिडेंट के नाम से आप लोग देखोगे बहुत सारे प्लांट्स वगैरह के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप लिख पाओगे, बट काफी अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे तीन स्टेक होल्डर्स को यूपीएससी ने एक्सेल आपको मिक्स किया था और वहां से आज से एक्सप्लेनेशन मांगा गया था। और आपको इसमें ये भी बताना पड़ेगा कि यूएसए कैसे काउंटर कर रहा है इन सब थ्रेट्स को लेकर, या बेसिकली कैसे एक वर्ल्ड को अपने कनेक्टेड प्लेस बना सकते हैं, इन सब चैलेंजेस को ओवरपावर कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे लिखोगे 10th वाले क्वेश्चन को। थोड़ा सा आपको इसमें नॉलेज चाहिए कि कोल्ड वॉर की, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए मल्टी अभी प्रेजेंटली चाइना को लेकर, यूएसए को लेकर क्या क्या चीजें चल रही है। नाउ 9th 10th के पास सीधे आप क्वेश्चन नंबर आ जाओगे 19-20 पे, तो डायरेक्टली कम्प्लीटली आईआर के होंगे। देखो 19 और 20 में तो इससे सिंपल तो क्वेश्चन क्या ही आता, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया। ध्यान रखना GS2 में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो इंडिया का एंगल जोड़ेगा, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो SCO की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर आप लिखने बैठ गए ट्रेड, इकोनॉमिक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इंडिया की इम्पोर्टेंस आप बहुत सारे एंगल से कनेक्ट कर सकते हो। आपको अगर ये पता है कि SCO के अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज है, रिसेंटली आप लोग देखोगे इसके अंदर ईरान सबसे लेटेस्ट मेंबर है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा करंट अफेयर्स का आइडिया हो, लेटेस्ट इंडक्शन जो हुआ है इसके अंदर ईरान का हुआ है। उससे पहले आप लोगों ने देखा था 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान साथ में मेंबर बने थे। सेंट्रल एशिया की चार कंट्री है यहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दो तो बाकी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आपका तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, चार वो है। उसके बाद रशिया, चाइना 6, आपका इंडिया, पाकिस्तान 8 और लेटेस्ट जो एंट्री है इसमें ईरान की हुई है। तो आप देखो इसमें सेंट्रल एशिया एक बहुत बड़ा अपने पास है,
सेंट्रल एशिया, अगर आप थोड़ा सा इसमें सोचो, अगर इसमें से इंडिया को हटा लिया जाए तो एससीओ कम्प्लीटली एंटी वेस्ट आपकी वो बन जाएगा। एससीओ के अंदर इंडिया है, अगर इंडिया को आप हटा दो तो ये आप एंटी वेस्ट कोएलिशन बन जाएगा पूरा, क्योंकि रशिया भी एंटी वेस्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना भी एंटी वेस्ट रहेगा, और उसके अलावा जो आपकी सेंट्रल एशिया की कंट्री होगी वो डायरेक्टली डोमिनेट करते हैं आपका रशिया वाला पार्ट और चाइना वाला पार्ट। ईरान बेसिकली एंटी वेस्ट पहले से ही है, पाकिस्तान बेसिकली अभी किसके साथ ज्यादा अलाइन में है, आपका रशिया चाइना पाकिस्तान एक्सिस। तो इंडिया बेसिकली यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है यूएसए को लेकर या बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज के इंटरेस्ट को लेकर, लेकिन इंडिया की प्रायोरिटी हमेशा नेशनल इंटरेस्ट पर रही है, अपनी प्रायोरिटीज पर रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर रेड्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, अगर आपने एससीओ के बारे में पढ़ा हो तो वहां पर रेड्स के बारे में, तो अगर अब आप एससीओ के बारे में लिखते हैं रेड्स को मिस करते हैं तो फिर आप यहाँ पर अपने मार्क्स लूज करेंगे। एक रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे काउंटर टेररिज्म को हेल्प करेगा, कैसे इंडिया की कनेक्टिविटी में भी जोड़ा जा सकता है इसको, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से जोड़ा जा सकता है इसको। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे, एक तो जनरली एम्स क्या है या ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, तीन पार्ट्स में ये क्वेश्चन बढ़ जाएगा। क्रिटिकली एग्जामिन है मतलब आपको यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लाने पड़ेंगे, दोनों पर्सपेक्टिव देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगा दिया उन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब यू हैव टू डू बोथ पर्सपेक्टिव, ठीक है, क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स, एससीओ नेगेटिव्स भी क्रिएट करेगा पॉजिटिव्स भी क्रिएट करेगा, दोनों आपको बताना पड़ेगा, बट सिंपल क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, बट यहाँ पर पता है चैलेंज क्या है, 15 मार्क्स में इसमें पॉइंट्स कैसे जनरेट किए जाए, जो आपका एससीओ वाला क्वेश्चन था और पॉइंट्स बहुत सारे जनरेट होंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि 15 मार्क्स में कैसे जनरेट किए जाए, लेकिन एक बार थोड़ा सा पढ़ने के बाद पॉइंट्स बहुत सारे जनरेट होंगे, वो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप पॉइंट्स निकाल सकते हो बहुत सारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। फिर जैसे एक क्वेश्चन पूछा था ऑकस वाला, ये उस टाइम पे न्यूज में था, पहले क्वाड आया न्यूज में, फिर आप लोगों ने ऑकस देखा होगा न्यूज में आया, ठीक है। तो न्यूली ट्राइनेशनल पार्टनरशिप ऑकस इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज एम्बिशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इन्होंने बोला कि ऑकस बेसिकली चाइना के एम्बिशंस को काउंटर कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। इज इट गोइंग टू सुपरसीड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इन द रीजन, मतलब ये किसको बात करना चाह रहा है, क्वाड को। इज इट गोइंग टू सुपरसीड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इन द रीजन, क्वाड को क्या सुपरसीड कर लेगा ये। डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड इंपैक्ट ऑफ ऑकस इन द प्रेजेंट सिनेरियो। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी एग्जामिनर को क्या क्या, जैसे कि पहला तो अब इसमें जैसे मैंने बोला ना बहुत सारे स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट का क्वाड को लेकर भी क्लियर पर्सपेक्टिव था, अवर अलायंसेज आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंटेनमेंट, हम कंटेन करने के लिए कोई अलायंस नहीं बना रहे, अवर पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन इंक्लूसिव ट्रांसपेरेंट एंड इक्वल पार्टनरशिप, इस टाइप से इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टैंड है। क्लियर बोला है कि अवर अलायंसेज आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंटेनमेंट, हम किसी को कंटेन करने के लिए नहीं बना रहे, डायरेक्टली भले ही कंटेन करें लेकिन इनडायरेक्टली भले ही कंटेन करें बट डायरेक्टली हमारा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इनको क्या बोला था, पहले क्वाड को बोला था उन्होंने आशियान नेटो, आप लोगों को ध्यान हो तो क्वाड को उन्होंने आशियान नेटो बोला था, ठीक है। अभी आप लोगों को नए स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा बट हाँ सीख जाओगे धीरे धीरे, तो आपको इसके बारे में चीजें पता होनी चाहिए कि ऑकस का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे यूके है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस क्या कर रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर क्यों ये अलायंस थी जो पहले फ्रांस को दी जाने वाली थी, क्यों ये बेसिकली यहाँ पर शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पर कोड क्वाड को क्या सुपरसीड करेगा क्या, या दोनों अलग अलग अलायंसेज है, दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या स्ट्रेंथ है इसकी, क्या इम्पेक्ट करेगा, इम्पेक्ट में भी बेसिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट करेगा ऑकस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर या इंडो पैसिफिक रीजन की इम्पोर्टेंस को लेकर, क्या वो सब चीजें आपको बतानी होगी। तो दैट इज द क्वेश्चन, ये 2021 का पेपर था, तो यहाँ से अपन को ये समझ में आया यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा, एक तो हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर डायरेक्टली पूछ लिया, जो भी करंट में कोई नई अलायंसेस बन रही है, जैसे अभी आपने देखा होगा अब्राहम अकॉर्ड वगैरह हुए थे तो उस पर क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, उसके अलावा और भी जो जो नई चीजें हुई है, ठीक है, उनपे क्वेश्चन डेफिनेटली चांसेस रहते हैं कि यूपीएससी डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन पूछ ले और उनको अलग अलग सेक्टर से वो लिंकेजेस कर देती है, ये ध्यान में रखना। नाउ द सेकंड पार्ट पे आते हैं, 2022 के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 का आप लोगों को पता था एक्सपेक्टेड था कि श्रीलंका पे आने वाला है, 2022 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आप देखोगे श्रीलंका पर ही था। 9th वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ 2022 का, ये देखो ये क्वेश्चन आपको था कि ऑलमोस्ट था कि नहीं ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि श्रीलंका न्यूज में काफी ज्यादा था, क्योंकि 2022 का भी मैंने दिया है, 2021 का भी दिया है, दोनों में मैंने इंटरव्यूज दिए हैं,
मोस्ट एक्सपेक्टेड था कि श्रीलंका पे क्वेश्चन आने वाला है. इंडिया इज एन एजोल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रिसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन लाइट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट. ठीक है कि इंडिया श्रीलंका का एजोल्ड फ्रेंड रहा है तो इंडिया ने क्या क्या किए हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि इंडिया ने बेसिकली किन किन फ्रंट्स पे श्रीलंका की हेल्प की है. ठीक है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन फ्रंट हो आपका, चाहे बेसिकली इंडिया ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट इश्यूज किए हो, चाहे इंडिया ने जो सॉफ्ट लोन दिया हो. ठीक है, या बहुत सारे फ्रंट पे, जैसे कि अपना एग्रीकल्चर फ्रंट पे हो गया. ठीक है, अपना ह्यूमैनिटेरियन में वैक्सीन को एड लेकर हो गया, उसके अलावा इनको जो फूड एड फूड सप्लाई हो गया, या वेरियस एग्रीमेंट्स को लेकर IMF को इन्होंने बेसिकली रिटर्न में अश्योरेंस दिया इंडिया ने, उसके अलावा पोर्ट्स वगैरह को लेकर बहुत सारी चीजें थी. वो आप लोगों को ध्यान होती तो आप इजीली लिख सकते थे इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये था, ये वाला क्वेश्चन भी बिम्स्टेक और सार्क को लेकर जो पूछा था, ये बहुत टाइम से ही चल रहा है कि बिम्स्टेक के आने से क्या सार्क की रिलेवेंस कम हो गई है क्या, ये सार्क की रिलेवेंस क्या खत्म हो गई है क्या. तो आप देखो क्या पूछा है, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क. ठीक है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द टू, हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें से देखो सिंपल सी चीज है, पहले तो आपको पता हो कि बिम्स्टेक के अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है. सार्क क्यों एक फेलियर व्हीकल बन चुका है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 2016 से अभी तक सार्क की कोई सबमिट नहीं हुई है. 2016 में सार्क की सबमिट एक बार जो पोस्टपोन्ड हुई थी आपने वो उरी अटैक वगैरह के बाद, उसके बाद से लेकर अभी तक सार्क की कोई सबमिट नहीं हुई है. आपका 2023 आ चुका है, तो आप सोचो लगभग आप 4 और 3 7 साल से तो सार्क का कोई सबमिट ही नहीं, सार्क का कोई अता पता ही नहीं है. तो कई बार कई लोग बोलते हैं कि बिम्स्टेक ने सार्क को रिप्लेस कर दिया है, और बिम्स्टेक ने क्या एडिशन दिया है, सार्क कनेक्ट करता था केवल साउथ एशिया को, बिम्स्टेक कनेक्ट करता है साउथ एशिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया वाले पार्ट को भी. तो बिम्स्टेक ने डबल फायदा दे दिया है, बिम्स्टेक आसियान को भी कनेक्ट ले रहा है साउथ ईस्ट एशिया को भी, और साथ में साउथ एशिया को भी ले रहा है. फिर दूसरा आता है कि सार्क के अंदर जो इंट्रा स्टेट ट्रेड था या इंट्रा कंट्री ट्रेड था वो काफी कम था, लगभग 5% से भी कम था सार्क के अंदर, और आसियान के अंदर ये बिम्स्टेक के अंदर वो धीरे धीरे ग्रोइंग है, जबकि आसियान के अंदर 25% है, नाफ्टा के अंदर 52% है इंट्रा ट्रेड, मतलब जो कंट्रीज के बीच में आपस में जो ट्रेड है वो सार्क में बहुत कम है. सार्क के फेलियर के बहुत सारे रीजन है. उसके अलावा वहां पर अपन देते हैं कि सार्क के अंदर जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बना था साफ्टा, वो भी इतने अच्छे से ऑपरेशनल नहीं हो पाया, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाया. फिर एक आइसोलेशन फैक्टर आ जाता है वहां पे कि पाकिस्तान वगैरह का, जो कि जो यहाँ पे बेसिकली इस इंस्टीट्यूशन को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं. तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो, और दोनों के अंदर आप देखोगे बिम्स्टेक और सार्क के अंदर 5 कंट्रीज कॉमन है जो कि साउथ एशिया से बिलोंग करती है, और 2 कंट्री जो बिम्स्टेक में नहीं है वो आपकी साउथ ईस्ट एशिया से. अब मैं इसको जब आपको याद करवाऊंगा तो इसकी स्पेलिंग से याद करवा दूंगा. आप देखो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा बिम्स्टेक की स्पेलिंग में कितने वर्ड है, बिम्स्टेक की स्पेलिंग में 7 वर्ड्स है, और जितने इसके अंदर वर्ड्स है उतनी इसके अंदर मेंबर कंट्रीज होगी. 5 मेंबर कंट्री आप इसकी स्पेलिंग से निकाल सकते हो. कैसे? बी से आपका बांग्लादेश, आई से आपका इंडिया, एम से आपका म्यांमार, एस से आपका श्रीलंका, और टी से आपका थाईलैंड. 5 कंट्रीज इसकी स्पेलिंग से आ गई. अब 2 कंट्री बची, वो कंट्री होगी जो हमारी सबसे क्लोजेस्ट नेबर है, दैट इज नेपाल एंड भूटान. तो अगर इन 5 कंट्रीज के अंदर नेपाल और भूटान को आप जोड़ दें तो पूरे की पूरी बिम्स्टेक की 7 कंट्रीज आ जाएंगी. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अलग है, ये जस्ट याद करने का तरीका है. इसकी फुल फॉर्म तो आपको आएगा बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इसकी फुल फॉर्म अलग है, बट याद करने का तरीका है जितनी स्पेलिंग में वर्ड उतनी ही कंट्रीज, 5 कंट्रीज स्पेलिंग देगी, 2 कंट्री जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट नेबर है दैट इज नेपाल एंड भूटान. भूलोगे नहीं आप, उसको कंपेयर कर सकते हो. अब इसमें से 5 कंट्री ढूंढ लो तो साउथ एशिया की वो सार्क में भी मिलेगी. जैसे बांग्लादेश साउथ एशिया का है, इंडिया साउथ एशिया का है, म्यांमार नहीं है साउथ एशिया का, आपका श्रीलंका साउथ एशिया का है, नेपाल और भूटान साउथ एशिया का है. तो ये 5 कंट्रीज आपको जो है वो सार्क में भी आपको कॉमन मिल जाएगी. अब बची जो आपकी 3 कंट्रीज, 3 कंट्रीज में से आप देखो जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, पाकिस्तान, आपका अफगानिस्तान और एक मालदीव्स. ठीक है, म्यांमार इज नॉट द पार्ट ऑफ सार्क, मालदीव्स. तो ये आपकी हो जाएगी सार्क की कंट्री. तो ऐसे बहुत छोटे छोटे तरीकों से आप याद रख सकते हो ताकि आप दिखा पाओ एग्जामिनर को. छोटा सा मैप भी बनाएंगे अपने IR के आंसर के अंदर, छोटा सा अपनी कॉपी के अंदर जगह निकाल के इस टाइप से मैप बना सकते हैं, अपनी इस इतने से पार्ट में आप मैप बना सकते हो. छोटा सा मैप आप दिखा सकते हो एग्जामिनर को ताकि आप इजीली कनेक्ट कर पाए चीजों को, बहुत सारे पार्ट. ठीक है, इस टाइप से छोटा सा मैप दिखा सकते हैं एग्जामिनर को
कंट्रीज को लेकर या कुछ कॉमन कंट्रीज को लेकर, कुछ भी चीज को लेकर, पॉलिसी को लेकर, ताकि आप आए उसको मैप से भी थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दे पाओ अपने आंसर्स को वहां पर। तो ये क्वेश्चन था आपका 19। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ 19-20 क्वेश्चन कौन सा था। जस्ट एक बार क्वेश्चन जरूर देखना, मैंने आपको बोला था ना एक क्वेश्चन यूपीएससी जहां से जो भी नई चीज आई, अब्राहम अकॉर्ड के बाद I2U2 न्यूज में था, ठीक है। बहुत प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। I2U2 आप लोगों को पता है पिछले साल न्यूज में था, और अब जब मैं एग्जाम लिखने जा रहा हूँ मुझे पता ही है कि I2U2 के बारे में मुझे क्वेश्चन आने वाला है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, हाउ I2U2 इंडिया इजराइल यूएई यूएसए ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडिया पोजिशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो मुझे जहां तक ध्यान है जब मैंने इसमें लिखा था तो मैंने इन चारों की सिग्निफिकेंस बताई थी कि इंडिया देगा ह्यूमन कैपिटल, इसराइल देगा आपको टेक्नोलॉजी, यूएई देगा आपको कैपिटल, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग वो है, अपना अलग अलग सबका बेसिकली स्पेसिफिक्स देखने को मिलेगी। इंडिया के पास ह्यूमन कैपिटल है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, यूएई के पास ह्यूमन कैपिटल है, और यूएसए के पास बेसिकली सब कुछ है, ठीक है। तो ये सब कुछ जब चारों की चारों ग्रुपिंग एक साथ आएगी, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाया था I2U2 करके, इंडिया को कनेक्ट किया था ह्यूमन कैपिटल से, इसराइल को कनेक्ट किया था टेक्नोलॉजी से, यूएई को कनेक्ट किया था इन्वेस्टमेंट से, और यूएसए को कनेक्ट किया था, मुझे ध्यान नहीं आया सिक्योरिटी या किसी पर्टिकुलर पार्ट से कनेक्ट किया था, और वहां से स्टार्ट किया था कि I2U2 ग्लोबल कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी, क्या क्या चीजें ट्रांसफॉर्म कर पाएगी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। तो इसमें जैसे कि मुझे पॉइंट जनरेट करने थे, क्योंकि ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का था, तो आपको बहुत सारे पॉइंट जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास चार कंट्रीज है। आपको ये भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज हैं। ट्रेडिशनल एरियाज तो आप दिखा दोगे, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी डिफेंस वो तो आप दिखा दोगे, बट न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज लाइक आपका हो गया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपका साइबर हो गया, आपका मैरिटाइम हो गया, आपका क्लीन एनर्जी हो गया, क्योंकि यूएई काफी सारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रहा है। मैंने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, सोलर अलायंस को लेकर एग्जाम्पल दिया जहां पर यूएई हेल्प कर रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, जैसे वाटर प्रोजेक्ट वगैरह है जहां पर यूएई हेल्प कर रहा है, इसराइल को अपने अकोमोडेट किया एग्रीकल्चर वाले पार्ट से कि कैसे इसराइल एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, फिर इंडिया में बेसिकली इंडिया के खुद के इनिशिएटिव भी कनेक्ट करवाए असेंबल इंडिया जहां पर ह्यूमन कैपिटल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर जनरेट होंगे, बस I2U2 के बारे में आपको पता हो, क्योंकि I2U2 से बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक तरह से आप देखो यहां पर इसराइल है और यूएई है, और आपका यूएई से अगर आप देखोगे इंडिया में एट प्रेजेंट टाइम पर सबसे थर्ड लार्जेस्ट जो इंडिया का जो पार्टनर है वो आज यूएई है, ठीक है, जो बायलेटरल ट्रेड पार्टनर है सबसे बड़ा अभी प्रेजेंटली यूएसए है, पहले चाइना था, अभी रिसेंटली यूएसए ने चाइना को सरपास किया है। तो सबसे बड़ा हमारा जो ट्रेड पार्टनर है वो यूएसए है, सेकेंड नंबर पर चाइना है, और थर्ड नंबर पर आ जाता है यूएई। लगभग यूएई का जहां तक इन्वेस्टमेंट मुझे याद आ रहा है, मतलब टोटल जो बायलेटरल ट्रेड है वो $72 बिलियन से ऊपर है, ठीक है, और लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है यूएई का इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के अंदर। तो यूएई का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और फायदा ये है चाइना से तो हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, लेकिन यूएसए से हम सरप्लस में हैं, और यूएई से भी बेसिकली अभी तक हमारा अच्छा चल रहा है, मतलब इतना ट्रेड डेफिसिट हमारा नहीं है, जबकि चाइना से आप देखोगे तो मोर देन $50 बिलियन तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चला जाता है, और आई थिंक बीच में तो बहुत ज्यादा हो गया था कोविड के टाइम पर, तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा टच किया था चाइना के साथ अराउंड 80 से ऊपर चला गया था, $80 बिलियन से ऊपर, बट जनरली इतना तो रहता ही रहता है। तो आपको थोड़े से इसमें फैक्ट्स वगैरह पता होने चाहिए कि किस कंट्री के साथ कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ये देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्लीन एनर्जी का, क्योंकि बहुत सारी अलायंसेस थे क्लीन एनर्जी को लेकर। क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora. अब international fora के अंदर आपको सारे के सारे पता हो जहाँ पे clean energy के respect में India काम कर रहा है, चाहे वो आपका green energy grid हो तो वो ठीक है, चाहे आपकी international solar alliance हो तो ठीक है, एक आपका जो वो initiative है ना OSOWOG initiative, ठीक है, one solar one world वाला जो initiative है OSOWOG, उसके बारे में आपको पता हो, जितने भी इंडिया के क्लाइमेट चेंज को लेकर वो चल रहे हैं initiatives जहाँ का इंटरनेशनल आपको देखने को मिलेगा, तो वो सारे के सारे क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर आपको जोड़ना था, वेरियस कन्वेंशन से इसको जोड़ सकते हो, UNCCD, क्लीन एनर्जी वाला पार्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, फिर इंडिया की चेंजिंग पॉलिसी में आपको बताना पड़ेगा कि कैसे हमारी पहले पैसिव पॉलिसी थी, अभी एक्टिव क्लाइमेट हमारी पॉलिसी आई है, जिसमें आपको चाहे हमारे पेरिस क्लाइमेट समिट्स के टारगेट देने पड़ेंगे, रिसेंट हमारे जो पंचामृत हमने टारगेट्स दिए हैं उनको आप लिंक कर सकते हो, बहुत सारे फोरम से जहां से इसको लिंक किया जा सकता है, ठीक है, वो सारे आपको बताने पड़ेंगे। इवन
जो इसको लेकर जो डिजास्टर का लेकर भी एक इनिशिएटिव बना है जिसमें भी क्लीन एनर्जी का काफी रोल है, ठीक है, वो मुझे भी इनिशिएटिव का नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है इंटरनेशनल फोरम पे, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर कनेक्ट करने की क्वेश्चन नंबर 20 में। नाउ द लास्ट वन इज द 2020 के बाद ये बचा है 2020 का, जो जस्ट मुझे आपको दिखाना है, बट इसी थीम पर अपन स्टार्ट करेंगे। जो कल से मैं आपको फर्स्ट टॉपिक लूंगा वो होगा हमारा फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। फॉरेन पॉलिसी में जो मेरा फ्रेमवर्क रहेगा, आपका फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, मैं आपको उसमें पंसील से भी कनेक्ट करूंगा, नॉन अलाइंड मूवमेंट से भी कनेक्ट करूंगा, और अभी जो प्रेजेंट हमारी पॉलिसी है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी पहले तो क्या था 1960s का तो इरा था जहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, नॉन अलाइंड थी, ठीक है। हमने बेसिकली क्या करा था, जो दोनों आपके पोल्स थे, पोल्स का मतलब एक वन इज द यूएसए एंड अदर इज द यूएसएसआर, दोनों पोल्स से हमने इक्वल डिस्टेंस बनाकर रखी थी, बट फिर भी हम एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे थे इन वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर, क्योंकि पैसिव तो हम थे नहीं, हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन तो था वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। अभी हम दिखाएंगे कि जैसे हमारी गवर्नमेंट अभी क्या बोलती है कि प्रेजेंटली हम फोकस कर रहे हैं इक्वल पार्टनरशिप्स पे, प्रेजेंटली हम फोकस कर रहे हैं, हम बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन बैलेंस ऑफ पावर पे। पहले का जो ट्रेडिशनल था वो बिलोंग करता था फॉरेन पॉलिसी का बैलेंस ऑफ पावर पे, अभी जो रिसेंट हमारा पर्सपेक्टिव आ रहा है कि इंडिया जो फोकस कर रहा है बैलेंस ऑफ पावर की जगह बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पे, कैसे वो एक छोटी चीज छोटी से छोटी कंट्री जो पैसिफिक आइलैंड में है और एक कैसे बड़ी सी बड़ी कंट्री जैसे यूएसए रशिया उनसे सबसे अलग अलग प्रायोरिटीज के आधार पर एंगेज कर पा रहा है, चाहे वो मिनीलेटरल हो, चाहे प्लूरिलेटरल हो, चाहे वेरियस आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स हो। तो ये आपको इवोल्यूशन दिखाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जांपल, जैसे कि आप कोई इनिशिएटिव दिखा रहे हो जय करके जहां पे जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा कि राइज ऑफ प्लूरिलेटरल्स कैसे हो रहा है, राइज ऑफ मिनीलेटरल्स कैसे हो रहा है, वो आपको वहां पर कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आंसर्स के अंदर, ठीक है। 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी जस्ट आपको दिखा देता हूँ कि आइडिया हो जाए कि पढ़ना कैसे, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज द व्हाट इज द डिमांड और उस डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई अपन चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसका देखते हैं अपन, ये कोविड के टाइम का था जब उस कोविड से इन्होंने रिलेट करके दिया था और इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अब ये भी आप देखो कितना एक्सपेक्टेड था, ये पेपर है आपका कोविड के टाइम के आसपास, तो इन्होंने किससे रिलेटेड पूछा, इन्होंने पूछा रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे टॉपिक है इंस्टीट्यूशन का, तो उन्होंने वहां पर उसने WHO का पूछ लिया। लेकिन इस अब आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो WTO का है, क्योंकि लास्ट ईयर बेसिकली WTO की सबमिट हुई, आई थिंक उन्होंने पूछा भी होगा, WTO की सबमिट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि WTO की सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है और WTO में किन किन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है। WTO के अंदर आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट टाइम जो अफ्रीकन लेडी थी इवेला करके कुछ नाम है, नगोजी इवेला, वो फर्स्ट टाइम बेसिकली चीफ बनी है WTO की अफ्रीकन कंट्री से, तो वो वहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस आता है, और WTO की जो सबमिट हुई है उसमें नए मुद्दे कौन कौन से हैं जिनमें डिस्कशन चालू हुआ है, तो वो था। तो यहाँ पर WHO का पूछा उन्होंने क्वेश्चन, रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग हेल्थ सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन डायस्पोरा पे पूछ लिया इन्होंने कि डायस्पोरा हैज अ डिसिजिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। अब यहाँ पर पता है आपके पास क्या लिस्ट होनी चाहिए थी, आपके पास वो सब इन्फ्लुएंशियल पीपल होने चाहिए जो आज यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज के अंदर बेसिकली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट वेरियस गुड पोजीशंस, ठीक है, जो बेसिकली जिनका ओरिजिन इंडियन है, या हो सकता है उनका नहीं हो तो उनके पेरेंट्स का ओरिजिन इंडियन हो, ठीक है, वो सारे पीपल्स के नाम आपको पता होने चाहिए यूरोपियन से। इसकी मैंने एक लिस्ट बना के रखी थी, ठीक है, मुझे ध्यान था इस टाइप से क्वेश्चन डायस्पोरा में आएगा तो उसको मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे अभी अपन ऋषि सुनक बोलते हैं जो कि बेसिकली ओरिजिन इंडियन के माने जाते हैं, उनका नहीं है बट उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जो ओरिजिन है वो इंडियन ओरिजिन, ठीक है। जैसे कि आप यूएसए के अंदर देख लो जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ठीक है, उनका ओरिजिन बेसिकली कहाँ से माना जाएगा, उनका खुद का नहीं है बट वो बेसिकली किस में चले जाएंगे, पर्सन इन इंडियन ओरिजिन कैटेगरी के अंदर। और भी काफी सारे लोग हैं जो इंडियन और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर डायस्पोरा की फॉर्म्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके नाम्स की एक लिस्ट आप बना सकते हो, वो चाहे कंपनीज के CEO हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो अदर इन्फ्लुएंशियल पीपल हो, उससे आपका ये आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है कमेंट विद एग्जांपल्स, बिना एग्जांपल्स इस आंसर को आप नहीं लिख पाएंगे, तो एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए। नाउ द लास्ट वन जो हमारा क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, आप देखो उस टाइम पे क्वाड बना ही था, अब आप देख रहे हो कि किस टाइप से यूपीएससी ने पैटर्न में कुछ भी चेंज नहीं किया, एक साल क्वाड पूछा, एक साल ओकस पूछ लिया, एक साल ITU पूछ लिया, और 15-15 मार्क्स पे पूछे, क्वाड भी 15 मार्क्स में, फोकस भी 15 मार्क्स में, ITU भी 15 मार्क्स में,
जैसे ही कोई नया इंस्टीट्यूशन बन रहा है, यूपीएससी में सवाल है, तो उसको आप इतना अच्छे से तैयार कर लो कि 15 में से आपको 7.5-8 मार्क्स इजीली वहां पर मिल जाए। तो क्वाड पे क्वेश्चन था, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील और इंडो रशियन डिफेंस डील, ये भी आप समझ गए हैं कि आपका जो एग्जामिनर है कंट्रीज को आपस में लिंक कर रहा है, उसने इंडो यूएस डिफेंस डील को लिंक किया है इंडो रशियन डिफेंस डील के साथ। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे हमारा जो रशिया के साथ डिफेंस ट्रेड था वो घटा था और यूएसए के साथ बढ़ा, ठीक है, अभी भी रशिया के साथ काफी हमारा वो हमारा ट्रेड है डिफेंस को लेकर, बट हाँ दोनों के साथ काफी अच्छा ट्रेड है आज डिफेंस को लेकर। तो उसके वेरियस जो पॉइंट्स को हम एनालाइज करना था, यहाँ पर भी आपके पास की फैक्ट्स होने चाहिए, रशिया से कौन कौन सी चीजें इम्पोर्ट करते हैं डिफेंस में और यूएसए से कौन कौन सी करते हैं, उनकी क्या क्या अलग अलग सिग्निफिकेंस है, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है। दैट इज द अबाउट द डिमांड ऑफ द यूपीएससी सिलेबस ऑफ द यूपीएससी और पास 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर। बाकी भी आप देखो तो आपको इसी टाइप का पैटर्न मोर ऑफ लेस आपको मिलेगा GS2 के अंदर। प्रीलिम्स के अंदर थोड़ा आपको अलग मिलेगा क्योंकि वहां पर कुछ क्वेश्चन एग्रीमेंट से पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मैप बेस्ड हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग अलग कंट्रीज में यूरोपियन यूनियन वगैरह जो भी न्यूज में चल रहा होता है उसको लेकर पूछ लिया जाता है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अवर प्रिपरेशन। तो कल की क्लास से अपन चालू कर देंगे। आज की क्लास में पहले आप मुझे आपके डाउट्स मुझे बता दीजिए ताकि आपको किस टाइप का और फ्रेम चाहिए, ताकि कल की क्लास से अपन वो सारा का सारा फ्रेम राइट डायरेक्शन में अपन सारी चीजें स्टार्ट कर दें, ठीक है। मेरी तरफ से तो जितना मैं बेस्ट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ उतना बेस्ट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, और आपको इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और एग्जाम में डायरेक्टली आप आउटपुट ले पाएंगे। डायस्पोरा वाले क्वेश्चन में यस ऋषि सुनक कमला इसको भी कोट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट हो बट उनका अगर इंडियन ओरिजिन है तो कोट कर सकते हैं। हाँ तो एक बार आपके डाउट पूछ लीजिए 2-3 मिनट्स के अंदर, जो भी आपको डाउट हो किसी भी टाइप से कि IR को अप्रोच करने को लेकर, जो भी अभी तक आपको डिफिकल्टीज आ रही हो लिखने को लेकर अप्रोच करने को लेकर, यू कैन आंसर। ठीक है, कुछ अपन जो मटेरियल यूज करेंगे जैसे कि मैंने ऑफिशियली साइट से जो ये मटेरियल बनाया हुआ, जैसे UN पीसकीपिंग को लेकर क्वेश्चन आया तो उसमें से कुछ कुछ चीजें जो अपन को डालनी है फैक्चुअल वो पहले से मैंने तैयार की हुई है, तो वो PDFs वगैरह भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को इजी हो जाए अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। कुछ स्लाइड्स भी हैं जो मैंने बनाई हुई है आपको समझाने के लिए, पर्टिकुलरली IR वाले जब कंट्री रिलेशन अपन देखेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगी कई सारे पर्सपेक्टिव के अंदर। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि बिमस्टेक पे क्वेश्चन आ जाए तो किस टाइप से आप अप्रोच करोगे, बहुत शॉर्ट नोट्स टाइप से कि क्या क्या अपन पर्सपेक्टिव अपने आंसर्स में दे सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन तो आपको मस्ट है, जैसे आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीजें माइंड में आ जाएगी। यस कुछ कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे तो एक बार क्वेश्चन पूछिए आपका। यस ये पूछ रहे हैं कि जैसे IR के क्वेश्चन लिखते हैं, हाँ जी, तो जैसे अभी उसकी मेन पॉइंट है जैसे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, ज्योग्राफी, मतलब जो मेन पॉइंट है, सिक्योरिटी इशू है, क्लीन एनर्जी इशू, जैसे उनमें पॉइंट वाइज लिखे हैं या मतलब ग्राफ ग्राफ में लिखे भाई इकोनॉमिक है, जैसे इंडिया यूएसए का कोई क्वेश्चन आता है तो इंडिया यूएसए में हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे इकोनॉमिक बेसिस पे करते हैं, जैसे सिक्योरिटी बेसिस पे करते हैं, तो जैसे पॉइंट वाइज लिखते हैं या मतलब पैराग्राफ लिखना होता है? नहीं, पॉइंट वाइज लिखोगे तो GS पे पॉइंट वाइज लिखना बेटर रहता है। इसके लिए मैं आपको कॉपीज भी शो करूंगा नेक्स्ट क्लास से, जब अपन थोड़ा पढ़ना चालू करेंगे मैं खुद भी आपको लिखकर दिखाऊंगा। पॉइंट वाइज बेटर रहेगा GS के अंदर, ठीक है, उससे क्लियरिटी रहती है, आपके वेरियस पॉइंट्स दिखते हैं, छोटे छोटे 2-3 लाइन के पॉइंट्स आप बना सकते हो, पॉइंट्स की हेडिंग बनाई उसके अंदर 2-3 लाइन लिखी, अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो दिया, तो पॉइंट्स वाइज वुड बी बेटर। वो मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर, मेरी कॉपीज में आपको शेयर करके दिखाऊंगा कि किस टाइप से आप आंसर लिख सकते हो। सर ये जो पॉइंट वाइज है ये मेरा PSIR भी ऑप्शनल है तो उसमें नहीं चलेगा क्या? उसमें अलग ऑप्शनल में बिल्कुल नहीं चलेगा, ऑप्शनल में पॉइंट वाइज नहीं चलेगा, ऑप्शनल में मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा पॉइंट वाइज। ऑप्शनल का अलग पर्सपेक्टिव है, GS का अलग पर्सपेक्टिव है। ऑप्शनल में कुछ क्वेश्चंस में आप लिख सकते हो पॉइंट वाइज, बट पर्सनली मैं तो जो मैंने आपको बताया कि मैं तो प्रेफर आपको पैराग्राफ में ही करता हूँ। हाँ बट कुछ क्वेश्चन में अगर हो तो पॉइंट भी ऐसे 1-1 लाइनर पॉइंट नहीं चलेंगे GS की जगह, पॉइंट भी आप मतलब जो आपको बना रहे हो पैराग्राफ के फॉर्म में थोड़ा बड़ा पॉइंट बनना चाहिए, 3-4 लाइन में आप उसको एक्सप्लेन करो, बट ऑप्शनल में नहीं चलेगा। ऑप्शनल में मैं पर्सनली नहीं सजेस्ट करता उस चीज को लेकर, ऑप्शनल का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है, उसमें थोड़ा आपको बहुत एनालिटिकल पर्सपेक्टिव चाहिए, एक डिबेट चाहिए, क्योंकि अपने ऑप्शनल में वैसे ही अपन को
फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव चाहिए, क्योंकि अपना ऑप्शनल केस है, डिबेट बेस्ड है, एक आर्ग्यूमेंटेटिव है, तो वहां पे तब अच्छे मार्क्स आएंगे आपको, तब थोड़ी सी आप डिबेट करवा पाओ वेरियस स्कॉलर्स की हो गई या वेरियस आइडियोलॉजीज की या वेरियस जो भी चल रहा है उसमें। सर जो स्कॉलर होते हैं जैसे ऑप्शनल के पीएसआईआर के, उन स्कॉलर का आप उससे एक बार अलग से पूछना तो आपको बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपको बेटर गाइडेंस दे पाऊंगा। मुझे एक बार सर से आप नंबर ले लेना, तो मुझे आप अलग से एक बार फोन करना, तो ऑप्शनल का मैं आपको बेटर बता पाऊंगा, ठीक है? क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा आपको एक्सप्लेन करने में, होगी तो मैं आपको मेरी कॉपी शेयर कर दूंगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। पहले अभी आईआर से रिलेटेड डाउट सब पूछे, सर कैन वी गेट सम मॉडल आंसर सो दैट वी विल नो हाउ टू अप्रोच? यस डेफिनेटली विल गेट मॉडल आंसर्स, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाना स्टार्ट करूंगा। सर जो वेरियस डेटा होता है रिगार्डिंग ट्रेड लाइक हाउ मच ट्रेड एग्जिस्ट, डू यू हैव रिमेंबर देम? हाँ, इंपॉर्टेंट कंट्रीज को लेकर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि लगभग जैसे कि अभी इंडिया यूएसए चल रहा है तो लगभग 120 है बिलियन डॉलर है या 140 है, तो थोड़ा बहुत लगभग अप्रोक्सीमेटली आइडिया होना चाहिए। चाइना का कितना है, मेजर मेजर कंट्रीज का, सब कंट्रीज का नहीं, बट हाँ मेजर कंट्रीज जो हमारे सिलेबस में है उनका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। और जैसे नेबरहुड में भी क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश है तो पता होना चाहिए कि लगभग 18 बिलियन डॉलर के आसपास है, तो लगभग आइडिया होगा तो थोड़ा असर्टिव आंसर आपका रहेगा। यस, नेक्स्ट डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी सबको क्लियर है सारी चीजें? चलिए फिर एक बार सर, विनय विनय सर आप, थैंक यू सर, वेलकम सर। देखो क्लास हो गई है खत्म है ना, अब जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है जो थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहता है ही और शी में स्टे ना, तो मैं एक थोड़ा और आपसे बात करना चाहूंगा है ना, तो एक सेकेंड सुगंधा टर्न ऑन करो माइक, लाइब्रेरी हो? ठीक है, देखो पहली बात तो ये है कि जो मैं भी पूरी क्लास करके देख ही रहा था ऑब्वियसली है ना, क्योंकि आपके साथ मुझे भी देखना पड़ता है सारा, तो इसमें देखो जो दो तीन चीजें आपको मिलेंगी, कितनी अच्छी बात है कि सर ने प्रीवियस ईयर सारे दिखा दिए आपको, एक आपके सामने खोला है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सर उनको मतलब आपको करके भी दिखाएंगे सोल्व, तो एक अप्रोच पता चलेगी कैसे अप्रोच करना है आपको। दूसरा एक जो अच्छी लर्निंग है कि जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता कि ये चीजें कहाँ से उठानी है कहाँ से करनी है, मतलब एक बड़ी अच्छी लाइन थी कि जो सर ने बताया था अफ्रीकन की हमारी जो प्रायोरिटीज होंगी अफ्रीका की डेवलपमेंट प्रायोरिटी से हम अलाइन करेंगे, तो इस तरीके की लाइन ही आपको एक अलग से कर देती है आपके आंसर को। बाकी बच्चे जनरल लिख के आएंगे कि इंडिया अफ्रीका नेचुरल पार्टनर है रिसोर्स बेस, यहाँ पे आपने गवर्नमेंट का स्टैंड ही दे दिया। और दूसरा कि जैसे कि डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं है अफ्रीका के लिए है ना, वो नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है पूरी क्लास कर लिया मैंने तो 5 पॉइंट नोट किए हैं, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सारी क्लास आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने 5-6 पॉइंट नोट कर लिए तो वो आपको याद रहेंगे। अब ये देखो सर ने, मैं भी बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स देखता हूँ तो उसमें से एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, लेकिन आज की क्लास सर के नोट्स, क्योंकि मैंने खुद देखी क्लास, इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ बच्चों की वो लाइव क्लास देखें, उसमें अपने नोट्स बनाएं है ना, और चीजों को इंटरनलाइज करें। अब मेरे को तो 5 पॉइंट से याद हो, यही मैं चाहता हूँ आपके साथ हो। एक सर ने और अच्छी बात बताई कि इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंस है आप उसको मेमोराइज कर लो, तो कोई भी ये अप्रिशिएट होता है पेपर टू के अंदर खासकर कि भाई एज पर सुप्रीम कोर्ट एज पर लॉ कमीशन तो एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज पर अवर जो भी नीति आयोग, तो ये अगर आप अपना स्टांस तो छोड़ो अगर गवर्नमेंट का स्टांस देते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज अप्रिशिएबल होती है। तो ये 4-5 चीजें एक्सपेक्ट करनी थी आज आपको क्लास के अंदर। और दूसरी बात यह है जैसे ही कल से क्लास खत्म होगी कोई सीधा नहीं भागेगा जूम होते, या बच्चे नहीं रहे हो आपकी छुट्टी होगी टंटन और भाग गए हो, आपको क्या करना है क्लास के बाद बैठना है ठीक है, जो अपने नोट्स हैं 10 मिनट दो उसको कि 10 मिनट है कि मैंने आज क्या सीखा है ठीक है, उसमें क्लास में नोट्स तो बनाए होंगे भी, मैं देखूंगा सभी के नोट्स ठीक है, तो वो नोट्स बनाए उसको मेमोराइज करो कि अच्छा आज मैंने ये सीखे 5, आप देखो मेरे नोट्स भी देख सकते हो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं है ना, तो ये मैं जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ कि एज ए स्टूडेंट आप भी इसको एम्बाइब करो, नहीं तो क्लास का कोई फायदा नहीं होगा ठीक है। अब दिखाओ श्रेय अपने नोट्स दिखाओ आप, आवाज नहीं आ रही, कितने पेज के नोट्स बनाए हैं?
सर मेरा तो एक ही पेज में है क्योंकि मैं बॉडी के नाम लिखी थी और जो उसके पॉइंट्स बता रहे थे सर वही। ठीक है, अब तो जो मैंने पॉइंट बता दिया कि इंट्रोडक्शन अफ्रीका का उसको छोड़ दो, है ना, एक हमारी डेडिकेटेड पॉलिसी होनी चाहिए। अब मेरे को तो याद ही हो गया, अब देखो स्क्रीन अच्छा है कि दो चार पॉलिसी होती है, लुक ईस्ट लुक वेस्ट, है ना, चार पांच होगी हमारे पास सेंट्रल एशिया के लिए होगी। अब जब बाकी फंस जाए क्वेश्चन तो एक सजेशन हर के लिए होगा, ये होती है स्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क। तो आपके पास एक आ गया फ्रेमवर्क अब सर के पहले लेक्चर से कि भाई कहीं भी डाल दो किन के लिए डेडिकेटेड पॉलिसी चाहिए। इसके अलावा कोई और पॉइंट बताओ जो आपने नोट किया है। अभी सर ने मेंशन करा था कि इंडिया की जो अभी पॉलिसी अभी जो आ रही है फॉरेन पॉलिसी वो है कि हमें इक्वल पावर नहीं करना है, हमें मतलब इक्वल इंटरेस्ट पे ध्यान देना। ये देखो कितना अच्छा वर्ड है कि कितना शिफ्ट हुआ है कि पहले आप नॉर्मल किसी बच्चे से बात करना वो क्या बात करेगा, बैलेंस ऑफ पावर की बात करेगा। आज सर ने कितना अच्छा वर्ड किया, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। यार आप कितने पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो ये सोचो, और मतलब कि ये वोकैबुलरी डेवलप आपको याद होगी ना तो आप अपने आंसर में हमेशा कंक्लूजन में या कोट अनकोट करके होगी। कई बार आता है कि पूछता है कि पैराडाइम शिफ्ट क्या है पॉलिसी में, तो उसका एक पॉइंट हो गया और उसके बाद उसके एक दो एग्जांपल डाल दो तो वो सब्सटेंशिएट हो गया। मतलब ये चीजें सीखनी है, ये आपको एज दिलाऊंगा मैं और सर हमारे साथ आई, मतलब कि ये मैं आपको विनिंग एज में ये करें कि एज मिले कैसे करके, ठीक है ना। देखो कई बार बच्चों को लगता है हमने पूरे साल एक मेहनत की फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, यार ये भी नहीं सर से पूछो कितना एफर्ट हो, ये जरूरी नहीं कि एक साल आपने मेहनत की उसी साल आपका हो जाएगा, है ना, ये भी गारंटी है। क्यों सर ऐसे थोड़ी है, एक साल मेहनत की हो ही जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर हाँ लगा रहना पड़ता है भाई। एफर्ट तो आप कर ही सकते हो और हम भी आपके साथ पूरा एफर्ट करेंगे, ये एंश्योरिटी हमारी, ठीक है। सुगंधा आप टाइप करके बताओ अगर आप लाइब्रेरी में हो तो कि आपने क्या सीखा है आज की क्लास में। तने मैंने आपको पहले कहा था वीडियो ऑन करके बैठना है आप। तने देखो जो सीरियस एस्पिरेंट नहीं है मैं उनको कह रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग देख लो, मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन जो क्लास में बैठा है तो उसका पेपर पास होना चाहिए, ही और शी मस्ट बी एक्टिव। तने वीडियो ऑन करो और बताओ। गुंजन आप बताओ आपने क्या सीखा है, जो ये पॉइंट हो गए इनके अलावा कुछ अलग पॉइंट क्या लिखा है, आप नोट्स बनाए दिखाओ। अनम्यूट करो अपने उसको माइक को। कितने पेज में बने आज के नोट्स? एक पेज पे, ठीक है। थोड़ा खुला लिखो, कल को कुछ ऐड करना पड़ जाए ना, और वो मार्जिन्स मार्जिन्स वाली कॉपी में लिख रहे हो ना आप विदाउट लाइनिंग वाली पे? आज तो सिंपल है एक पेज वाली, ये कल से दोनों साइड मार्जिन होनी चाहिए ताकि ऐड कुछ कर पाए साइड में, ठीक है। तो क्या लर्निंग है आपकी आज की क्लास से? दो श्रेया ने बता दी, दो मैंने बता दी, एक बाप आप बताओ क्या यूनिक पॉइंट लगा आपको? हाँ ये भी कहा जा सकता है कि जो लाइक रीजनल जो ग्रुपिंग्स हैं जैसे कि सार्क एंड बिम्स्टेक वो काफी इम्पोर्टेंट हो रही हैं आज के सिनेरियो में, और ऑल्सो हम काफी हद तक मल्टीलैटरलिज्म और स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी की तरफ जैसे जा रहे हैं। देखो दो चीज आपने अच्छी बताई, एक तो आपने कीवर्ड्स यूज किए हैं, तो अपने आंसर में आप सबको कीवर्ड यूज करने हैं, मल्टीलैटरलिज्म, रीजनल ग्रुपिंग्स, जनरल आंसर नहीं लिखना है, और इसके साथ आपको सब्सटेंशिएट करना है कि भाई ये हो रहा है एग्जांपल दिस बिम्स्टेक हो गया या इसने कोई एक्टिविटी की है तो ये इस तरीके से। तो ये चीज अपने साथ साथ अभी नहीं, अब क्लास के बाद जो आप बैठोगे, ठीक है ना, दो जो मैंने 10 मिनट का है रिवाइज करोगे, कुछ फिलर भरने अपने भर लोगे। एक सर ने बताया था कि WTO का पॉसिबल क्वेश्चन है इस बार आने के लिए, तो अब आपका ये मतलब कि एक ड्यूटी होनी चाहिए कि अब मैं बैठ के एक बार WTO पे सर्च कर लूं। सर तो बता ही देंगे जब सेशन आएगा इंटरनेशनल बॉडीज का कि भाई रिसेंटली क्या चल रहा है, और वो जो चीफ है जो सर ने डिस्कस किया था उनका नाम क्या है। थोड़ा एक क्या कहते हैं ना, जो दीपेंद्र सर भी आपको बताते हैं लास्ट क्लास बताया ना कि नेट पे वहां पे सर्च करके वहीं की वहीं काम करके खत्म करो, ठीक है। चलो शाबाश गुंजन। तने आप बताओ। तने बहुत सीरियसली होके करना शाबाश, हम बनाया, ठीक है। क्या लर्निंग सर? लर्निंग ये थी कि कैसे मल्टी डायमेंशनल सोचना है। जैसे सर ने एक क्वेश्चन में बताया था कि चाइना के बारे में पूछा नहीं है, बट चाइना के एक्सपेक्ट को कैसे लाएंगे हम, वो क्वेश्चन ने वो सीखा। हाँ सही है, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, अभी हम कितने बच्चे 11 हैं और 17 थे पहले स्टार्ट हुआ, तो मतलब 6 बच्चे तो जा चुके हैं, ठीक है ना। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, कौन कितना सीरियस है, कौन केवल मजे के लिए आ रहा है सुनने के लिए और कौन इम्बाइब करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे हैं वो पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, और पॉसिबली जितनी क्लास के या तो मैं या सर आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे क्वेश्चन, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, सर प्रोवाइड करेंगे नोट्स, लेकिन जो आपके खुद के हैंड रिटन है वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तन्वी आप बताओ क्या लर्निंग है? यस सर,
सर एक सर ने अभी बताया था कि WTO की जो रिसेंट मीटिंग हुई थी वहां पे अभी अफ्रीका से एक फर्स्ट लेडी थी जो चीफ बनी थी। शाबाश शाबाश, उससे अच्छा वो तो मैंने इसने बता दिया था, लेकिन एक और एग्जांपल अफ्रीका से याद आया, सोलर माँ वाला एग्जांपल एक और बताया था, अजमेर में अफ्रीकन वुमन को ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अपने वो केस स्टडी होगी आपके लिए जब भी देखो, अपने आंसर को ह्यूमन टच जरूर दो, सर भी बताएंगे आगे, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट आना ही आना चाहिए, साइंस का क्वेश्चन हो चाहे आईआर का क्वेश्चन हो चाहे सिक्योरिटी का क्वेश्चन हो, पीपल नहीं आएंगे तो मजा नहीं आएगा। एक अपने दिमाग में फ्रेमवर्क बना लो कि मैं पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट डालूंगा ही डालूंगा, क्या इंडिया कर रहा है, क्या पीपल टू पीपल, तो डायमेंशन जनरेट हो रही है सारी चीजें। ठीक है, बताओ दिव्य, आप बताओ दिव्य। आपने लिखा नहीं सुगंधा क्या? अच्छा राकेश आप बताओ। ठीक है दिव्य, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आपसे। राकेश यस सर, क्या सीखा सर, आपने? मैंने मतलब मैंने आज लर्निंग ये की है सर, जैसे हम जहाँ पे भी अपना कुछ कर रहे हैं वहां का एजेंडा और जैसे हमारा एजेंडा कैसे मेल खा रहा, कैसे जुड़ता है। जैसे अफ्रीका का एजेंडा था 2063 का और हमारा 2047 का, तो कैसे हम मतलब वो कर पा रहे हैं। ठीक है राकेश, आई थिंक सबने देखो कुछ ना कुछ लर्निंग की है, हाँ, तो ये आज पहली क्लास थी इसलिए मैं आपको मॉडस ऑपरेंडी बता रहा था क्या होना चाहिए। सर क्लास लेंगे, सर या मैं आपसे फिर बाद में कुछ पूछेंगे, आपको अपने नोट्स बना के रखने हैं, ठीक है, और जो भी लर्निंग है उसको करना है। ठीक है अभिषेक सर, करें कंक्लूड, कल क्लास होगी इनकी टाइम? कल 8 PM। कल 8 PM, ठीक है। अच्छा सुगंधा ने कुछ भेजा है कह रही है, चल मेरे को वैसे व्हाट्सएप कर देना तू मैसेज, ठीक है मैं देख लूंगा। शाबाश, चलो ऐसे ही हंसते रहो सुगंधा, जैसे हंसती रहे हंसते हंसते पढ़ लो अपना, ठीक है, स्माइल करके उड़ो। यार मैं कह रहा हूँ कि तुम इतनी हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, सर इतने एफर्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा तो काम इजी हो रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उन बच्चों से पूछो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वो खुद मैनेज कर रहे हैं सारी चीजें, मतलब सर इतने वेल क्वालिफाइड हैं और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सीधा परोस रहे हैं, बस आपको अपना दिमाग लगा के उसको यूज करना है और आंसर राइटिंग में अप्लाई करना है। इवन सर ने तो आज ये भी मतलब सरप्राइज था मेरे लिए भी, सर कह रहे कि प्री का भी आपको मोस्टली कवर करा देंगे चीजें, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, तो होलिस्टिक तैयारी हो रही है, बस आपको अपने एफर्ट करने हैं। ठीक है, 1 घंटा क्लास और 10 मिनट सिटिंग वो देनी है, ठीक है ना। चलो शाबाश, थैंक यू वेरी मच सर।